बोल्वाम के अटैक से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं उनको तो हाउ डू सच प्लांट अटेन रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोल्वम अटैक तो इस तरह के प्लांट कैसे रेजिस्टेंस अटेन करते हैं गेन करते हैं बोल्वम अटैक्स के अगेंस्ट तो हमें ये पूरा एक्सप्लेन करना है तो अब वो दो जीन कौन तो सबसे पहला है क्राई वन ए सी एंड दूसरा है क्राई टू ए बी तो ये दो जीन्स हैं जो कि बीटी कॉटन प्लांट को रेजिस्टेंट बनाते हैं अगेंस्ट वॉट बोलवाम अटैक्स के अगेंस्ट तो बीटी टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव रहता है बेसिलस के अंदर हमने बोला बीटी टॉक्सिन जो है वो इनएक्टिव रहता है बेसिलस के अंदर बट जैसे ही एंटर होता है ये इंसेक्ट के गट में वेन वंस वेन इट एंटर्स द गट ऑफ एन इंसेक्ट आफ्टर इंजेक्शन इंजेक्शन के बाद जैसे ही वो गट में जाता है तो जो टॉक्सिन है वो एक्टिव हो जाता है क्यों क्योंकि वहां पे उसको अल्कलाइन पीएच मिल जाता है कहाँ पे इंसेक्ट के गट के अंदर तो जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन हुआ अब अल्कलाइन मीडियम की वजह से वो बाइंड कर जाता है मिड गट के सरफेस पर वो भी एपिथीलियल सेल्स के अब क्या करता है वो पोर्स क्रिएट करता है जिससे कि सेल्स जो हैं वो स्वेल हो जाते हैं इसके साथ साथ लाइसिस होने लगता है यानी कि टूटना किसी भी चीज का तो यहाँ पे बात सेल की हो रही है देन इवेंचुअली क्या होता है जैसे सेल हैं वो स्वेल कर गए स्वेल करने के बाद वो लाइसिस हो रहा है उनको यानी कि वो टूट रहे हैं सेल्स जो हैं वो तो क्या होगा इवेंचुअली इंसेक्ट की डेथ हो जाती है एंड इसी वजह से वो प्लांट को क्या करते हैं बचाते हैं उन इंसेक्ट्स से वो अल्वाम अटैक से बचाते हैं अगर वो इंसेक्ट ही मर गया तो वो अटैक कैसे करेगा क्रॉप पे वो तो मर ही गया तो इस तरह से वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं सो दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन थैंक यू क्लास एक्स ट्वेल्व से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर